हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स 2-in-1 चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं फैमिली ट्री। नाउ आई स्टार्ट माय वीडियो। पहले हम सी के पैटर्न से एक बिग ट्री बनाएंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पे बना रही हूँ। देखो, मैं यहाँ पे ये ब्रिक ट्री बना रही हूँ। ऑनली ऑयल बेस्ट कलर्स के साथ इसको हम इजीली स्मंज भी कर सकते हैं। तो पहले हम इनमें पहले कलरिंग करेंगे। ये जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैं यहाँ पे पहले कलरिंग कर रही हूँ ट्री में। मोस्टली ये जो है फैमिली ट्री है, ये बच्चों को प्रोजेक्ट में मिलता है। और मोस्टली जिनका फर्स्ट बेबी होता है तो वो मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम कैसे बनाएं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो मैं आपसे ये वीडियो अपनी शेयर कर रही हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएँ। इसको ऐसे हम पहले फुल कलर कर लेंगे। इसको थोड़ा मैंने बिग इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें हमने पिक्चर्स पेस्ट करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए हमें ट्री में कलरिंग कर रहे हैं हम। इसको हम बाद में स्मंज कर लेंगे रियलिटी की तरह दिखाने के लिए। अब हम इसमें कलरिंग करेंगे ट्री में, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको आप आउटलाइनिंग करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैं इस तरह से इसको ऑयल पेस्टल कलर के साथ ही बना रही हूँ ताकि इसकी नेचुरल लुक लगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसमें कितनी अच्छी, बाद में जब हम स्मंजिंग करेंगे तो कितनी अच्छी लुक आती है। ये तो आप इन कलर्स के बारे में जानते ही हो। बाकी ये आपको, अगर आप चाहें तो इसको आप पेंसिल के साथ आउटलाइनिंग करके भी बना सकते हो। ये देखिए, इसमें आप कलरिंग स्केच पेन से भी कर सकते हो, ऑयल पेस्टल कलर से, क्रेयॉन से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो आप। आपको बस यहाँ पे जो फैमिली ट्री बनाना है उसमें आपने पहले अच्छा सा कोई ट्री बना लेना इस टाइप का, फिर इसमें अच्छी सी कलरिंग करनी है हमने, जैसे मैं कर रही हूँ। ये कलरिंग थोड़ी सी ऐसी लगती है जब हम करते हैं, लेकिन जब स्मज कर देते हैं तो ये ब्यूटीफुल नेचुरल कलर देती है। जैसा कि आप हमेशा जानते ही, ये स्मजिंग कलर होते हैं, जो पेस्टल कलर होते हैं, ये मोस्टली ऑयल पेस्टल कलर जो स्मंजिंग के लिए ज़्यादातर जाने जाते हैं, ये एकदम से स्मूथ हो जाते हैं जब हम स्मंज करते हैं। ये देखिए, ये कलरिंग हमारी हो गई है। अब हम इसको नेचुरली लुक देने के लिए इसको हम अब स्मंज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है। बस ये हमारी होने वाली है। ये बिग ट्री हमें इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि बिग ट्री बनाने से ही इसमें हम जो है पिक्स लगानी होती है ना सभी की, फैमिली पर्सन्स की, तभी तो वो हमारा फैमिली ट्री बनेगा। विदाउट पिक्स तो फैमिली ट्री ये बन ही नहीं सकता, जैसा कि आप जानते हैं। अब हम इसको स्मंज करेंगे ताकि ये नेचुरल लुक दे। देखिए, हम ऐसे फिंगर्स से ताकि ये बिल्कुल फिनिशिंग इसकी अच्छी लगे, जो वाइट पोर्शन लग रहा है वो बिल्कुल ना लगे। ये देखिए, बिल्कुल नेचुरल लुक देने लगता है। इन कलर्स की यही सबसे, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे इसी कारण लगते हैं क्योंकि इनकी जो लुक है ना वो नेचुरली आ जाती है स्मंजिंग करने के बाद। पहले हमें थोड़ा सा लगता है कि ये क्या बना रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके बाद जब हम स्मंज करते हैं
तो आप देख ही सकते हो इसको हम कैसे स्मंच कर रहे हैं फिंगर्स की सहायता से। तो ये देखो कैसे लुक आ जाती है इसकी, नेचुरली लुक आ जाती है इसकी। ये देखिए आप ध्यान से देख ही रहे हो। अब हम स्मंच करने के बाद इस पर हम पिक्स लगाएंगे, सभी की जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उन सब की हम जैसे यहाँ पे हम पिक्स लगाएंगे। लेकिन पहले हम इनको स्मंच अच्छी तरह करेंगे ताकि हमारा ट्री ब्यूटीफुल नज़र आए। से भी ये पैच से ना लगे। ये हम इस पार्ट को भी देंगे जो हमारा ब्राउन पार्ट है, ब्राउन का उसको भी हम ऐसे स्मंच कर देंगे ताकि ये नेचुरली लुक दे। ये देखिए हमारा बिट्टी अब तैयार हो गया है, आपको जैसे दिखाई दे ही रहा है। ये देखिए ये हो गया हमारा ट्री, ये हमारा ट्री बिग तैयार हो गया है। अब हम इस पर जो सेकंड स्टेप है वो करेंगे, यहाँ पे है पिक्स। जैसे कि अब फैमिली में ग्रैंड मदर होते हैं तो हम ग्रैंड मदर को लगाएंगे यहाँ पे गम के साथ। हम यहाँ पे अब मैं यहाँ पे गम नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी आपको एक और चीज़ दिखानी है। जैसे ये देखो हमने ग्रैंड मदर की हमने पिक लगाई है। ये देखिए हमने यहाँ पे एक ग्रैंड मदर की पिक लगाई है, ये देखिए। उसके बाद ये हम फैमिली के अब लगाएंगे, फिर ग्रैंड फादर के उनके पास ही जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर अब हम जैसे जो किड्स हैं उनके फादर की, जहाँ पे मैं पिक्स नहीं दिखा रही हूँ आपको, लेकिन आपने वहाँ पे जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं जैसे जैसे मैंने नाम लिखा है उनकी आप ऐसे पिक्स लगाते जाइए। जैसे अब जिसका प्रोजेक्ट है उसके मम्मा की फ़ोटो, ठीक है। जैसे अब जैसे वो है जो वो मेन है जिसका ये प्रोजेक्ट है उसकी फ़ोटो, और उसके बाद उसके ब्रदर या सिस्टर की, अगर उसका कोई एक्स्ट्रा और जैसे वो तीन बहन भाई हैं तो उसकी फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगी। नहीं तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए आपका फैमिली ट्री बनके तैयार हो चुका है। अब जैसा कि आप देख रहे हो पिक्स ऐसे आपने लगानी है। और अगर आपकी सिंगल फैमिली है, जैसे आप जैसा कि आप 2-4% ही हैं फैमिली में, तो आप जैसे ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड फादर्स को हटा सकते हैं तो उनको ऐसे हम लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं तो हमारा फैमिली ट्री तैयार हो चुका है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगे आप ये मुझे शेयर करके ज़रूर बताएं, कमेंट करें, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।